नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फीवर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है, तब इस कंडीशन को फीवर कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि फीवर के बारे में और भी जानकारी मैं आपको दूं, यदि आपने मेरे इस चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट्स कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी सारी नोटिफिकेशन पाइए। तो दोस्तों, आगे हम फीवर को स्टार्ट करते हैं। अब हम फीवर के कारण को जानेंगे कि किन कारणों के कारण, किन कॉज के कारण फीवर होता है। दोस्तों, फीवर हमारी बॉडी डिफेंस के लिए एक रिस्पॉन्स होता है, जो कि हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह इन्फेक्शन वायरल, बैक्टीरियल, मैलिग्नेंट ट्यूमर के कारण या सर्टेन इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सभी कारणों के कारण फीवर होता है। इसके अलावा हीट एक्सॉशन एंड टीथिंग के टाइम भी हमें फीवर आता है। हीट एक्सॉशन में दोस्तों, जब कभी वाटर की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स को लॉस हो जाता है स्वेटिंग होने के टाइम में, जब हमें पसीना आता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, तब उस कंडीशन में आपको दोस्तों डिजीनेस की फीलिंग रहेगी, चक्कर आएंगे, नोजिया होगा, वोमिटिंग वगैरह होगी, वीकनेस रहेगी बॉडी में। इस तरह की कंडीशन का सामना आपको करना पड़े, तब ये हीट एक्सॉशन के सिम्टम्स है और इसके कारण फीवर आता है। एंड साथ ही दोस्तों, छोटे बच्चों में जब दांत उगने की अवस्था होती है, तब भी इस कंडीशन में उन्हें फीवर आते हैं। तो ये कॉज और कारण हो गए फीवर के। आगे हम दोस्तों देखते हैं इसके सिम्टम्स को, इसके लक्षण को फीवर के। तो इसके लक्षण में हैं दोस्तों, हमें स्वेटिंग होती है, चिल फीलिंग रहेगी एंड शिवरिंग रहेगी, साथ ही हेडेक रहेगा, मसल्स में दर्द रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, भूख नहीं लगती है पेशेंट को, और कपकपी होती है, ठंड लगती है, इरिटेशन रहता है उसके माइंड में, हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसके अलावा उसे डिहाइड्रेशन होता है फीवर के कारण, उसे पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। और साथ ही दोस्तों, बॉडी का टेम्परेचर पेशेंट का 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है, तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं फीवर के दोस्तों। तो इन सभी सिम्टम्स को आप ध्यान में रखिए। अब दोस्तों, हम आते हैं होम्योपैथी मेडिसिंस, जो कि फीवर के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही शानदार है। तो होम्योपैथी मेडिसिंस नेचुरल सब्सटेंस से बनाई जाती है, जो कि नेचुरल होती है, नेचर से बनाई जाती है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन जो कि फीवर के लिए है, वो इस प्रकार से, पहली मेडिसिन है एकोनाइटम नेप्लस 30। जब आप दोस्तों कोल्ड के संपर्क में आते हैं और या ड्राई वेदर के संपर्क में आते हैं, और आपको उस समय बहुत ही ज़्यादा चिंता, भय,
फील होता है, एंजाइटी होती है, साथ ही आपको प्यास भी लगती है और आपकी जो ब्रीथ होती है, सांसें होती है, वो रुक रुक के आए, शॉर्ट हो, और साथ ही आपका हाथ गर्म रहे, आपके दोनों पैर ठंडे पड़ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में आप एको नाइट 30 लीजिए। ये मेडिसिन आपको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देगी। इस मेडिसिन को आपको एक दिन में 2 या 3 बार 4 बूंद डायरेक्टली टंग में लेना है और इसे आप खाना खाने के 1 घंटे पहले लें, तो यह मेडिसिन आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल यूजफुल होगी। तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को लीजिए। सेकंड मेडिसिन है हमारी चेल्सिनियम 30। यदि दोस्तों आपको फीवर के साथ में इन्फ्लुएंजा की शिकायत हो, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स जैसे कि फीवर आना, चिल होना, आपकी बॉडी में दर्द होना, बहुत ज़्यादा खांसी, कंजेशन होना नाक में, बहुत ज़्यादा नाक बहना, आपकी सर दर्द होना और बहुत जल्दी थक जाना, ये सारे सिम्टम्स यदि आपको अपने आप में दिखाई दे तो आप दोस्तों बहुत ही इस मेडिसिन को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होगी। यदि दोस्तों आपको साथ में आपको जो आपके मसल्स हैं उसमें जलता हुआ और चिल के साथ में हीट सब महसूस फील हो और जलता हुआ पेन हो, तो और साथ में आपको चक्कर आ रहे हो, वर्टिगो वगैरह हो रहा हो, डिजीनेस फीलिंग हो रही हो, धुंधलापन दिखे आंखों के आगे, और आपको इसके अलावा आपका बीपी लो हो, तो इस कंडीशन में डेफिनेटली आप चेल्सिनियम 30 को यूज़ कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रोल देखने को मिलेगा, रिजल्ट देगी ये बहुत अच्छा। तो इस मेडिसिन को आपको 30 CH में 2 या 3 बार 1 दिन में 4 बूंद लेना है डायरेक्टली ऑन टंग में खाना खाने के 1 घंटे पहले। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी दोस्तों ब्रायनियर 30। जब कभी दोस्तों आपको गैस्ट्राइटिक कॉम्प्लिकेशन हो, जैसा कि आपको अपच बने रहे, कब्ज रहे, पेट में जलन रहे, खाना अच्छे से ना पचे, सूजन रहे पेट में और पेट में दर्द की शिकायत ही रहे, और यदि साथ में आपको ये डिसीज़ रहे जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो या फिर एसिड भाटर रोग हो, इस तरह के पेट से संबंधित और भी कई एसिडिटी वगैरह रोग हो आपको, तो आपको यदि इसके साथ सूखी खांसी आए और ये सभी लक्षण आपको दिखाई दे, तो दोस्तों आपको ब्रायनिया 30 लेना है। और साथ ही दोस्तों इस ये सभी जो लक्षण हैं आपके खाना खाने के बाद में या पानी पीने के बाद में बढ़ जाते हो, तो ये सभी साइन और सिम्टम्स है ब्रायनिया के पेशेंट के, तो आपको इस मेडिसिन को लेना है 30 में 4 बूंद दिन में 2-3 बार डायरेक्टली ऑन टंग में खाना खाने के 1 घंटे पहले। और यदि दोस्तों और इस पेशेंट का जो फेस होता है वो बहुत ही लाल रहता है और उसका सर ठंडा रहेगा और बॉडी गर्म रहेगी, इस तरह के सिम्टम्स उस पेशेंट में दिखाई देते हैं ब्रायनिया के। अब हम फोर्थ मेडिसिन में आते हैं दोस्तों, वो है बेलाडोना 30। जब दोस्तों आपकी स्किन रेड हॉट हो और फेस लाल हो और दोस्तों आपको धड़कता हुआ पेन हो, जैसे कि कोई टीस मारता हुआ पेन हो, बहुत असहनीय पीड़ा वाला पेन होता हो आपके बॉडी में, सर में, और आपको इसके साथ ही यदि आपका जो दर्द होता है वह लाइट में और आवाज़ करने से बढ़ जाता है, और यदि आपको इसके साथ ही रातों में नींद में चलने की बीमारी हो, रात में नींद में बात करने की बीमारी हो, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही वंडरफुल यूजफुल इफ़ेक्टिव रोल निभाएगी, रिजल्ट देगी। इस मेडिसिन को बेलाडोना 30 30 CH में लेना है दिन में 2-3 बार
चार्बन डायरेक्टली ओन टंग खाना खाने के एक घंटे पहले। तो दोस्तों ये सभी मेडिसिन आपको मैंने फीवर के लिए बताई है, जो कि हमारे डिफेंस, हमारे जो बॉडी के डिफेंस का रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन के। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।